बॉलीवुड की इस रंगीन और हसीन दुनिया में रिश्तों के बनने और टूटने का सिलसिला चलता आ रहा है। बॉलीवुड के इन स्टार्स ने शादी तो अपनी मर्जी से की, लेकिन उसकी कीमत को चुकाने के लिए इनकी मर्जी नहीं चली। जिन सितारों ने तलाक लिया उन्हें एल्युमिनी के रूप में इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आइए हम आपको बताते हैं कि इन एक्टर्स को कितनी रकम चुकानी पड़ी। मलाइका अरोरा एंड अरबाज खान। हाल ही में मलाइका अरोरा और अरबाज खान का डाइवोर्स हुआ है। मलाइका ने डाइवोर्स के बदले अरबाज खान से एल्युमिनी अमाउंट के तौर पर 15 करोड़ रुपए मांगे थे। मलाइका 15 करोड़ रुपए से कम पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी, जिसे अरबाज ने देने के लिए हाँ कर दी थी। बता दें कि इन दोनों की शादी 12 दिसंबर 1988 में हुई थी और इनका एक बेटा अरहान खान है। ऋतिक रोशन एंड सुजैन खान। बॉलीवुड के हैंडसम एक्टर ऋतिक रोशन और उनकी पत्नी सुजैन के तलाक की खबरों को सुनकर हर कोई हैरान रह गया था। दोनों की शादी साल 2000 में हुई थी। दोनों के अफेयर की खबरें आई, लेकिन अंत तक कुछ साफ नहीं हो पाया कि दोनों ने तलाक क्यों लिया। आपको बता दें कि सुजैन ने एल्युमिनी के रूप में ऋतिक से 400 करोड़ रुपए मांगे थे, जिसके बाद लगभग 380 करोड़ रुपए एल्युमिनी के रूप में सुजैन को देकर ऋतिक ने तलाक लिया था। करिश्मा कपूर एंड संजय कपूर। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने साल 2003 में बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की थी। दोनों की शादीशुदा जिंदगी में शुरुआत से ही काफी दिक्कतें थी। बताया जाता है कि करिश्मा अपनी मैरिज लाइफ में खुश नहीं थी, इसलिए उन्होंने डाइवोर्स लेने का फैसला किया। खबरों के मुताबिक करिश्मा ने संजय से एल्युमिनी के रूप में 7 करोड़ रुपए मांगे थे और बच्चों के बालिग होने पर पढ़ाई और शादी का आधा खर्च संजय ही देंगे। इसके साथ ही मुंबई में संजय कपूर के पिता का मकान करिश्मा के नाम हो जाएगा। साथ ही संजय ने दोनों बच्चों के लिए 14 करोड़ का बॉन्ड खरीद है। इस बॉन्ड के जरिए बच्चों को खर्च के लिए हर महीने 10 लाख रुपए मिलेंगे। इसके एवज में करिश्मा ने मुंबई में दर्ज दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का केस वापस ले लिया है। सैफ अली खान एंड अमृता सिंह। सैफ अली खान और अमृता सिंह का तलाक बॉलीवुड के सबसे महंगे तलाक में से एक है। बता दें दोनों ने साल 2091 में शादी की थी। उम्र में अमृता सैफ से लगभग 13 साल बड़ी हैं। बता दें इन्होंने गुपचुप शादी की थी। सैफ के घर वाले इनके रिश्ते से खुश नहीं थे। शादी के लगभग 13 साल बाद दोनों अलग हो गए। हालांकि सैफ ने एल्युमिनी के रूप में अमृता को कितनी राशि दी, इसकी जानकारी कभी नहीं दी गई। लेकिन खबरों की माने तो सैफ ने अमृता को करीब 5 करोड़ रुपए और अपनी आधी जायदाद दी थी। यहाँ तक सैफ ने ये भी कहा था कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए हर महीने 1 लाख रुपए देंगे, जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते। आमिर खान एंड रीना दत्त। बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट आमिर खान और रीना दत्त ने अपने पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ साल 1986 में लव मैरिज की थी। बाद में दोनों के रिश्तों में दरार आने लगी और साल 2002 में दोनों ने अलग होना ही ठीक समझा, जिसके बाद उन्होंने डाइवोर्स ले लिया। बता दें आमिर ने रीना को एल्युमिनी के रूप में लगभग 50 करोड़ रुपए दी थी। संजय दत्त एंड रिया पिल्ले। अभिनेता संजय दत्त ने साल 1998 में रिया पिल्ले से शादी की थी। रिया संजय की दूसरी पत्नी थी। संजय की पहली पत्नी ऋचा शर्मा से उनकी शादी 1987 में हुई थी, लेकिन 1996 में ब्रेन ट्यूमर के चलते उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने रिया से शादी कर ली। ऐसा बताया जाता है कि संजय दत्त का शादी के बाद भी अफेयर मान्यता के साथ चल रहा था। लिया उस समय लियांडर पेस के साथ थी। खबरों की माने तो संजय दत्त ने रिया की शॉपिंग और मोबाइल बिल के खर्चे तब तक उठाए जब तक दोनों का ऑफिशियली तलाक नहीं हो गया। बता दें संजय ने एल्युमिनी के रूप में रिया को 8 करोड़ रुपए और एक लग्जरी कार दी थी। कोरियोग्राफर प्रभु ने अपनी एक्स वाइफ रामलत को एल्युमिनी के रूप में 10 लाख रुपए, 2 लग्जरी कार और 20 से 25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी दी थी। इसके अलावा आदित्य चोपड़ा और पायल खन्ना जैसे स्टार्स ने भी एल्युमिनी के रूप में चुकाई बड़ी रकम। मिर्ची बॉलीवुड की रिपोर्ट।